वो नींद खुल गई है खाने के बाद भी, मेरे को सोने का मन है, मेरे को सुनने का मन है पूरा। आपसे वो प्रोफाइल शेयर करना चाहता हूँ मैं। वी हैव अमंग अस अ वेरी एमिनेंट पर्सन फ्रॉम द एजुकेशन इंडस्ट्री। ही इज अ विजनरी, अ बेंचमार्क सेटर, मिस्टर महेश शेट्टी, एंड ही इज अ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। If you only know as bright as Mahesh Tutorial, जो उनका बर्थ, उन्होंने पूरा अपना चाइल्ड क्रिएट किया था। He is a bachelor degree holder in science, as well as a degree in education from the Mumbai University. He has over 30 years of experience in the education sector. I request everybody please phone silent या बंद। आज ऑप्शन नहीं है आपके पास। जिसका फोन दिखेगा फोन पीछे चले जाएगा। एवरीबडी पीछे स्ट्रिक्टली प्लीज है सीट को डाला। थोड़ी छोटी छोटी चीजें इनके बारे में, इतनी अमेजिंग है। ये है पैशन एंड ड्रीम टू टीच एवरीवन, एंड हिज ड्रीम विजन इज लिटरेट इंडिया। मंत्र आप सकते हैं, वॉट एवर यू डू इन लाइफ डू इट ओनली because you have the passion for it. He has inspired countless students, and his organization MTU Educare has been awarded by Forbes Asia Best Under a Billion category. MTU Educare का जो widespread network है, that has over It's spread over 267 centers in India. And his latest creation is what he's giving to the world is RoboMedPlus, a digital learning platform. To all the people who cannot reach the center, but wo unke paas pahunch rahe hain. And already he has over 2 million users. ये होगी इनकी अचीवमेंट। अभी इनकी गिविंग आई थी, बहुत अमेजिंग गिविंग है। He believes that only education can empower the community and bring economic progress to enrich the society. जिस चीज के लिए इन्होंने BMC के स्कूल को अंडरटेकिंग फॉर 9th एंड 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स इन 4 डिफरेंट डायलेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी एंड उर्दू। और इनकी अचीवमेंट इसमें जो आई है, SSC passing percentage for the year 2016-17 was 72.69%, which was only just 42% a few years back. 29 students scored over 90%, which was unheard of from the BMC schools. And the topper from Marathi medium scored 93.2%. ये भी मतलब ये सुन के हम आज तक जो सीख रहे हैं, गिविंग, विजन आज हमें हमारे सामने है, जो हमें लाइफ दिखने वाला है। एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू विद ऑल लव, अफेक्शन एंड ग्रेटिट्यूड मिस्टर शेट्टी। प्लीज क्या बात करना है, उन्होंने बोला कि आपको अपने बारे में टॉक अबाउट मैनशिप।
बस अपने बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा धीरे धीरे तो स्टार्ट में ऐसे होता है हमें माइक की जरूरत सो महेश के बारे में बात कर रहे हैं खुद के बारे में तो ऐसे शुरू करो 1984 से शुरू कर दो 1984 में मैं राम नारायण रुइया कॉलेज से पास आउट हुआ था और पता नहीं बचपन से एक सपना था कि देश की सेवा करो। हमारे दो वॉर थे अगेंस्ट पाकिस्तान और दोनों वॉर में मैं बहुत छोटा था और जो दूसरा वॉर था जब भी थोड़ा ज्ञान था कि 10-12 साल का था तो जब ये फीलिंग आया कि देश के आर्मी में ज्वाइन हो जाऊँगा। हम जब बहुत छोटे थे तो मुझे याद है जब ऊपर से एरोप्लेन उठते तो ब्लैकआउट किया करते थे मतलब पूरा लाइट ऑफ करो और किसी के घर पे लाइट है तो पत्थर मारो तो मैं मम्मी डैडी से पूछता था ब्लैकआउट क्यों करते बोलते हैं तो उनको आसमान से दिखेगा किधर बॉम्ब डालने का। सो बहुत बहुत एक फीलिंग था कि देश के लिए कुछ करो और जब राम नारायण रुइया का मेरा फाइनल एग्जाम्स हो गया मैंने ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मद्रास में अप्लाई किया था और उनके लिए उनके एप्लीकेशन के लिए चंद महीने की टाइम सॉलर कुछ समय था तो मैं बोला अभी करूँ क्या फ्री बैठा हूँ। मेरे एक दोस्त ने बोला मुलुंड में एक क्लासेस शुरू हो रहा है बाय द नेम शिवकी एकेडमी तू पढ़ाना चाहता है क्या? बोला मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो मैथ्स है पढ़ा लूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं क्लास में जाके पढ़ाने लगा। ऐसे ही बोला अभी 4 महीने निकाल रहे हैं अगस्त में जाना है जुलाई अगस्त में तो जब तक पढ़ा लूंगा। तो बच्चों को पढ़ाने शुरू किया और शुरू किया तो बच्चे बोलते हैं कि सर आप मैजिशियन हो गया। मैंने बोला मैं तो सिंपल पढ़ा रहा हूँ इनको इतना अट्रैक्शन क्यों है? बोला सर यू आर मैग्निफिशेंट। बोला ठीक है बच्चे ऐसे ही रहते तारीफ करते हैं 12 साल 13 साल 14 साल का बच्चा तो पटाख से इम्प्रेस हो जाता है। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मुझे भी अच्छा लगने लगा और ये यूनिट टेस्ट होता है फर्स्ट यूनिट टेस्ट स्कूल में जुलाई में और लगभग उसी समय उसी संडे मेरे ख्याल से मेरा इंटरव्यू था ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में। तो मैंने बोला मुझे मद्रास जाना है बच्चों तो आई वोंट बी देयर ऑन संडे दिस सैटरडे संडे। बोले नो सर सैटरडे संडे तो आपको आना ही। बोला क्यों? क्योंकि हमारा स्कूल का यूनिट टेस्ट है मंडे को। मैंने बोला बच्चों मैं अभी आगे पढ़ा भी नहीं पाऊंगा हम आपको जाने नहीं देंगे। गड़बड़ हो गए घर जाके मम्मी डैडी को बोला बच्चे परेशान कर रहे बोलते हैं पढ़ा नहीं पड़ेगा। वैसे मैं भी बच्चा ही था क्योंकि मैं 20 साल का तो मैंने बोला कि मम्मी अब क्या करूँ मैं कश्मकश में हूँ एक तरफ देश है और एक तरफ ये बच्चे हैं। तो माँ ने बोला डरपो अभी जब टाइम आया आर्मी नेवी में जाने का जब ये बहाना बना गया। मैंने बोला नहीं मैं सच बोलता हूँ क्या करूँ बताओ। माँ ने बोला देखो बच्चे तेरे से प्यार करते हैं ना वो भी एक सेवा है वो भी देश का सेवा है वहाँ भी जाके जो सेवा ठीक है चलो मम्मी का याद आ गया सुन लो बच्चों को बोला ठीक है अभी आज के बाद से तुम्हारे साथ रहूंगा। एंड आई कंटिन्यू उस वक्त सैलरी कुछ खास नहीं थी एक घंटे का 5 रुपया मिलता था और एसएससी पढ़ाने के लिए 7.5 रुपया मिलता था तो महीने का पढ़ाते जो लेक्चर से 200-225 रुपये होते थे और बस में आना जाना क्योंकि मैं रहता था अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बगल में वहां से मुलुंड आना खाना ये वो तो महीने का 450-500 रुपये होता था। तो
माँ से हर वक्त पैसे मांगते हो, कर कर क्या है हा? मेरे से पैसे मांगते, तुझे पढ़ना है पढ़ाना है, मेरे से पैसे क्यों मांगते? माँ करूँ क्या, पगार इतना ही है और पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, नहीं तो पहुंचूंगा कैसे? तो फिर पापा ने बोला बेटा तू एक काम कर, मैं रिजर्व बैंक में नौकरी किया हूँ, 40 साल से काम कर रहा हूँ, रिजर्व बैंक ज्वाइन हो जाए। उस वक्त रिजर्व बैंक IDBI सेपरेट हुए थे, बोला तो IDBI में ज्वाइन हो जाए। बेटा बैंक की नौकरी है, अच्छी नौकरी है, ये क्या क्लासेस क्लासेस लगा रखा है? बोला नहीं, मेरे को देश की सेवा करना है। बोला बेटा बैंक की सर्विस भी अच्छी रहती है, और मैंने मेरे बॉस से बात की है डॉक्टर पाटिल, तो बोला डॉक्टर पाटिल मुझे मिलना चाहते हैं, और तू जा और बैंक में लग जा। बोला नहीं पापा, 4,000 की पगार है, देने को क्वार्टर्स है, घर, लोन, हाउसिंग लोन 3% में मिलता है, ओके, मेडिकल फैसिलिटी सुपर है, मतलब अगर तू बीमार पड़ा तो तेरे को हिंदुजा हॉस्पिटल बॉम्बे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलता है। देखो प्रॉब्लम क्या है, क्वार्टर्स मिलेगा, घर मिलेगा, मतलब रहने के लिए घर मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, 4,000 पगार है, और तू 250 रुपया कमा रहे हो, बोलते मुझे देश की सेवा करना है? नहीं पापा, मैं नहीं बैंक में नौकरी करूंगा। ये चॉइस लाइफ में सबको आती है, बोलने का मतलब है कि जंक्चर आता है जहाँ चॉइस आता है, और पापा का सर्विस था तो मुझे नौकरी गारंटेड है, और BSc में एज इट इज में फर्स्ट क्लास था, तो जॉब वॉज नॉट अ डिफिकल्ट थिंग, और कनेक्ट था। उस जमाने में ऐसा था, पापा नौकरी करेगा तो बेटा को पुश करेंगे तो मिल जाता था। But no, I chose this over that because I had a feeling at that time that I will achieve something by teaching. एक अंदर जुनून था कि मैं हिंदुस्तान का हर बच्चे को पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मेरे बच्चों के आँख में वो एक sort of रोशनी देखा था, कि feeling देखा था कि सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बोला नहीं, I can do something। बोला पापा देखो बैंक का नौकरी, बेटो ऑफिसर हो जाऊंगा, मैनेजर हो जाऊंगा, जनरल मैनेजर हो जाऊंगा, मे बी कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा, पर नहीं, आई वांट टू टच हार्ट्स, आई वांट टू गेट द लव ऑफ चिल्ड्रन। सॉरी पापा, बोला बोला बेटा अभी पैसा नहीं दूंगा, कुछ करेगी तो हर महीने पैसे मांग कर। बोला ठीक है पापा, मेरे को थोड़ा समय दो, 2-3 महीना कुछ ट्यूशंस करने लगा मैं मुंबई में। I used to go as early as 7 o'clock lecture होता तो 5:30 बजे उठता था, फिर शाम को 9:30-8 बजे ट्यूशन्स खत्म होते थे, फिर घर जाके किसी का ट्यूशन लेता था, और रात को फिर वापस 11 बजे पहुंचता था। तो मम्मी बोलती थी इतना मेहनत करता है तो, बोला मम्मी आपने बोला पैसा नहीं देंगे, तो पैसा तो चाहिए ना, कैसे बोले पूछूंगे कैसे बोले? बोला बेटा क्या कर रहा है तू अपने लाइफ का, सत्यानाश हो जाएगा। फिर रिलेटिव्स ने समझाया, क्या पागल बने देखो, तेरे पापा अभी रिटायर हो जाएंगे फिर तेरे को जॉब नहीं मिलेगा, तू समझ तू रह जाएगा। बोला नहीं मैं करूंगा। आई फील एट द राइट टाइम इन लाइफ इफ यू डोंट टेक सच बोल्ड डिसीजंस यू विल गेट स्टक, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। मोर देन विजन इज अपॉर्चुनिटी, विजन इज अ थॉट, अपॉर्चुनिटी कम्स टू यू। Or hold up the opportunity, and that led me to where I am today. Yeah. पढ़ा रहा था और 18 बच्चे थे, 18 के फर्स्ट ईयर में 80 हो गए और सेकेंड ईयर में 300, थर्ड ईयर में 800, फोर्थ ईयर में 1200, और बॉस मुझे पगार देता ही नहीं था। तो मैंने बोला सर पगार बढ़ाओ, तो सर बोला इससे ज्यादा आगे आते तो 3,000 रुपये मिलते हैं। बोला सर माया नहीं आया। तो मैंने बोला सर ये मेरे साथ पार्टनर बनो, तो तेरे
रेजर पार्टनर मतलब पूरे मुंबई में हम एक कोचिंग क्लास डिस्कस करेंगे। तो नहीं होएगा बेटा, एक सीनियर थे होगा, नहीं होएगा बेटा, देखो समझता नहीं है, ये कोचिंग है जहाँ तुझे ही पढ़ाना है और तू ही पढ़ाएगा तो बच्चे आएंगे। मैंने बोला नहीं, आई विल क्रिएट टीचर्स लाइक यू। मालिक थे शेट्टी सर, उनके दिमाग में बात नहीं बैठ रहा था, आई विल क्रिएट। बोला नहीं, बोला देन लेट मी क्विट, मुझे छोड़ने दो। बोला सोच ले, तू रोड पे आता है। बोला ठीक है, जो भी है ध्यान में। सो 1988 नवंबर 24 आई क्विट शेट्टी। दैट इज द टाइम आई स्टार्टेड माय ओन जर्नी। अभी क्विट तो किया था के लिए वापस माफी मार गया, कभी गए खुद का कुछ चालू करता पागल। पहले तो पापा का सुना नहीं, अभी पापा रिटायर हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ, उनका कुछ रिटायरमेंट है। और ये क्या नाटक चालू किया तूने? बोला नहीं, मुझे कुछ करना है। बोला मेरे पास कोई पैसा नहीं है। बोला अभी क्या करूं? तो मेरे एक मामा थे तो आज भी मेरे साथ। मैंने उनको बोला मेरे पास पैसा है क्या? ना मैं तू बोलता हूँ उनको, क्योंकि हमारी उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। बोला नहीं रे, क्योंकि वो जब भी कोई पान पट्टी के दुकान में काम करता था, जैसे ग्रेजुएट था, लेकिन खुद का छोटा सा पान पट्टी दुकान खोला था और पान लगाता था। बोला अरे मेरा तो छोटा भी पान पट्टी का दुकान है, मैंने तो होटल भी नहीं बनाया, तू पैसा मांग रहा है। पांच लाख रुपया मिलेगा ना, 5-6 लाख की दुकान लेंगे और वहां क्लास करेंगे। 6 लाख कितना होता है मालूम तुम्हें? मैंने बोला जी तू 3 लाख दे, मैं 3 लाख आऊंगा। बोला कहां से लाएगा तू 3 लाख? बोला तू 3 लाख का जुगाड़ कर, मैं 3 लाख का जुगाड़ करूंगा और देखो जिंदगी भर पार्टनर बनाऊंगा। मामा बहुत पैसे वाला सोशल सर्कल उनका जब भी बहुत था, उनके चंद दोस्त मल्टी मिलियनर थे, तो सबने 50,000-50,000 करके उनको 3 लाख दिए, कोई 10,000 कोई 20,000 दोस्तों ने। बोला महेश मैंने 3 लाख का जुगाड़ तो किया तेरे लिए, इनको कभी वापस देना? मामा एक साल में इंटरेस्ट के साथ छोड़ तू क्या कर रहा है तू ये पता है? बोला मामा भरोसा करो। मम्मी को बोला देखो मामा ने 3 लाख कर दिए, उसकी तो कुछ नहीं कर रहा। माँ के गहने थे, बोला ये देख गहना है मेरे पास, ये लेके जा, ये इसकी जरूरत ही नहीं। बोला माँ ये गलत है, कसम से महेश तू सही है ना, इसको गिरवी रख दे और बेचो डाले। बोले ठीक है, गया 1.5 लाख ही मिला। बोला अभी 1.5 लाख और चाहिए, मैं करूं क्या? नाना जी के पास गया, क्योंकि दादाजी है ही नहीं मेरे, पापा से मांगने का हिम्मत नहीं, क्योंकि पापा ने जस्ट बहन का शादी किया था तो उनके पास तो पैसा था ही नहीं। गया नाना जी के पास, नाना जी को बोला नाना जी कुछ पैसा दो ना। क्या कह के लिए? बोले प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। अच्छा मेरे पास तो नहीं है बेटा, क्योंकि होटेलियर थे नाना जी, मेरे पास तो नहीं है बेटा, मेरे दोस्तों से पूछता हूँ। तो उनके दोस्तों के पास लेके गए, दोस्तों को बोला ये कि मेरा पोता है खुद का कुछ दुकान विकान लेके कुछ चालू कर रहा है। वैसे एक दो दोस्तों ने उनके जमा करके मुझे दे दिया। फिर मुझे समझ में आया नाना जी का ही पैसा था। लेकिन नाना जी ने जान बूझ के दोस्तों के थ्रू मंगाया और मेरे से इंटरेस्ट लिया, देख करके का इंटरेस्ट लिया नाना जी ने।
महीने का पेट करता, बोला बेटा देना पड़ेगा। मेरे दोस्तों क्या, मैंने बोला हाँ मैं दे दूंगा, जमा तो हो गया। जमा होने से पहले एक छोटी सी बात है, एक बिल्डर जो मुलुंड में हमारा सबसे पहला क्लास है सेंट वाइस चर्च के पास, तो बिल्डिंग जो बांधा था वो बिल्डर गोवंडी में रहता था, तो बिल्डर के पास गया था मैं, मुझे देख के वो हंसने लगा, अभी ऐसे ही छोटा लग रहा हूँ, तो उस वक्त तो मैं स्कूल बॉय लग रहा था। तो उसने मुझे फर्स्ट टाइम देखा, बोला क्या काम है तुमको, बोला तुम्हारा दुकान ही है, मैं उम्र क्या है और तुम दुकान में देखा है, मैंने बोला नहीं नहीं मेरा उम्र अभी 23 इयर्स है, बोला अच्छा तो दुकान चाहिए तेरे को, जेब में पैसा है क्या, बोला नहीं है लेकिन लाके दूंगा तुमको, मेरे को 2 महीने का टाइम देना, ठीक है टोकन कुछ लाया कल लाऊंगा, दुकान मिलेगा, कौन सा वाला चाहिए, बोला 6 नंबर वाला, ओके ठीक है कल ले जाना टोकन। अगले दिन मैंने मम्मी से 10,000 रुपया लिया और उनको जाके दिया टोकन, तो जब भी वो टोकन दिया उन्होंने बोला मुझे तेरे माँ बाप को साथ में लेके आना कल, मेरा भरोसा बोला वो इधर बोलता है कि माँ बाप को साथ में लेके आ रहा हूँ तो भरोसा कर, बोला क्यों, मैं बहुत छोटा दिखता हूँ इसके लिए, तो दोनों आए बेटा तो बोला नहीं हमारा बेटा ही देगा आपको 2 महीने में पैसे, वैसे पहली दुकान की एक कहानी है, अभी 6 लाख उधार में लिया और प्रॉपर्टी ले ली, मैंने बोला चलो पूजा विजा करता हूँ, और वही 24 नवंबर 1988 को पूजा किया और डॉक्टर शिक्की ने मेरे को नौकरी से निकाल दिया, बोला तुमने खुद का शुरू किया, मैंने बोला सर क्लास को अप्रैल में शुरू होगा, 5 महीने मेरे पास पैसे ही नहीं रहेगा तो मैं तो घोड़ पे आ जाऊंगा, बोला नहीं तुमने खुद का शुरू किया ना अभी तू इधर से बाहर, बोला सर मार्च तक तो मेरे को पढ़ाने दो, अप्रैल में इधर क्लास शुरू होने वाला है, बोला नहीं तुमने पूजा किया ना, बस आज से आने का नहीं, इधर और पूरा एरिया देखने लगा क्या मोर्चा नीचे आ रहे हैं, वो सब बच्चे दौड़ डर गए, बोले सर हाउ डेयर यू क्विट इन बिटवीन द ईयर, बोला मैंने क्विट नहीं किया तो कौन पढ़ाएगा हमको बाकी का पोर्शन, बोला सर जीटी सर रिपोर्ट करके नहीं उन्होंने कुछ नया सर लाया एकदम बेकार है वो, अभी आपको ही पढ़ाना पड़ेगा, बोले हैं कैसे पढ़ाऊं मैं तो छोड़ दिया उधर, वो सर नहीं छोड़ेंगे, बोलता नहीं नहीं हमको मालूम नहीं, मैंने बोला अरे तुमने खाली दुकान ली है अभी इधर फर्नीचर फिक्सर करते करते भी 2 महीने जाएगा, मेरे पास पैसे भी नहीं है, बोला सर हमको पता नहीं हमने आपके लिए क्लास ज्वाइन किया था कि आपको ही पढ़ाना पड़ेगा, मैंने बोला मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा, बोले सर मालूम नहीं हमको, और ऐसा पूरा रोड भर गया था ट्रैफिक जैम सब चिल्ला रहे क्या चालू है, बोले काम करो तुम लोग जाओ मैं सोचता हूँ अगर आपको, मैंने बोला करेगा क्या, तो मेरा एक दोस्त था उधर साड़ी का दुकान था उसका लग्न भी उसके पास गया, मैं बोला यार चादर डालेंगे जमीन पे बच्चों को पढ़ाएंगे, बोला जमीन पे कौन सा बच्चा बैठेगा, बोला और क्या रास्ता है, बोला चादर के लिए पैसा, बोला पैसा नहीं चादर खरीद के दे दे, बोला ठीक है भाई सर चादर मेरे तरफ से, बोला ब्लैक बोर्ड चाहिए चादर रेडीमेड ब्लैक बोर्ड ला के दे दे, आपकी क्या भंकर से दूर, मैं बोला यार पढ़ाना तो है, तो उसने चद्दर और ब्लैक बोर्ड के साथ जैसे ही टाइप का रेडी बना के
लगा दिया, बच्चों को फिर बोला मैंने आ जाओ, लेकिन लड़कियों को बोला फ्रॉक मत पहनना, जमीन पे बैठना है, लड़कों को बोला फुल पैंट पहनना, जमीन पे बिठा दिया और पढ़ा। बच्चों ने बोला फीस भी फ्री बोल दिया क्योंकि उन्होंने उधर भर चुके थे, अभी उनके माँ बाप वापस फीस तो नहीं देंगे। सोचो भगवान कैसे आता है हमारे पास जब इतनी नीति अच्छी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इट शुड नेवर बी अ सेल्फिश गेम, इट शुड बी अ सेल्फलेस गेम। जब तक सेल्फलेस नहीं हुआ गेम यू कांट विन बिग, नहीं तो एक दिन विजय मल्या जैसे फंस जाओ। गेम हैज टू बी ऑलवेज सेल्फलेस, इट हैज टू बी अबाउट सेल्फ, देयर हैप्पीनेस आल्सो इज देयर। मेरे एज में यंग भी लगो बच्चों को तो फ्री बोल दिया, बच्चे बैठ गए, शुरू हो गया पढ़ाना। हमने बोला क्या करना है क्या करना है, मैंने बोला एक आइडिया करता हूँ, एडमिशन खोल देता हूँ अगले साल का। लेकिन ऐसी कोई प्रथा नहीं थी कि 5 महीने पहले एडमिशन लेना, लेकिन हमने वो करता शुरू की, मैंने एडमिशन खोल दिया। और जैसे मैं 2-3 ट्यूशन लेता था तो ट्यूशन के घर पे जाता था, बोलता था थोड़ा एडवांस दे दो क्योंकि पॉकेट मनी कुछ नहीं कर चलना, तो उन्होंने एडवांस दे दिया ट्यूशन वालों ने और पार्टियां लगा दिया और एडमिशन खोल दिया। एडमिशन खोल दिया तो स्टाफ नहीं था, तो मेरे स्टूडेंट्स यार की शाम को बैठते थे उधर, बोलते थे सर हम हेल्प करेंगे, आशीष वाघेला, मोदी अय्यर और सब शाम को आके बैठते थे, बोलते सर कॉलेज खत्म हो गया तो हमारा बुक्स ला के बैठेंगे और आपका शाम तक कुछ एडमिशन होगा तो देखेंगे। एडमिशन आता ही नहीं क्योंकि किसी को पता ही नहीं। एक औरत आई, बोलती है तेरा नाम महेश शेट्टी है? मैंने बोला तेरे माँ का नाम क्या है? मैंने बोला ललिता। बोलती है दादर में रहती थी? मैंने बोला हाँ। बोला क्यों? बोलते मेरी बचपन की दोस्त है वो। मैंने बोला हाँ आपकी बचपन की दोस्त है? बोलते हाँ। मैंने बोला हाँ अभी तो हम अभी शिफ्ट हो रहे हैं, अभी इधर ही रहने को आए हैं। अच्छा Dinesh Shah is a
one of the best teachers and has his own very big empire in Singapore and is the towering personality in Singapore. ऐसे जर्नी से शुरू किया चार टीचर और मेरे दोस्तों का फोन आया जो दूसरे क्लासेस के ओनर थे. एक ने फोन करके बोला मैं सर सुना है आप चार चार टीचर मैथ्स के रखे हो. मैंने बोला हाँ. तो आप क्या करते हो? मैंने बोला क्यों, मैं आराम करता हूँ. क्यों आप काम नहीं करते? बस दो दिन काम करता हूँ और चार दिन आराम करता हूँ. क्योंकि कौन सोचेगा अगर मैं पूरा दिन काम करूं तो सोचेगा कौन? मेरे एक दोस्त पीयू सर ने जो बैंगलोर में बहुत फेमस क्लास पढ़ा रहा था पीयू एकेडमी, उन्हें बुला लिया मुझे. बोला महेश गलत कर रहे थे. मैं बोला क्यों सर? बोलते तू अभी आराम कर रहे हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुझे तीन पार्टनर तीन ओनर्स तैयार किए. मैंने बोला तीन ओनर्स मतलब? अगर उन्होंने अच्छा पढ़ाया तेरे से तो वो खुद का क्लास करेंगे, तो तीन कॉम्पिटिटर तैयार किया. तो मैंने बोला सर तीन कॉम्पिटिटर के बदले अगर आप बोलेंगे तीन पार्टनर तैयार किया तो कैसा रहेगा सर? कल मेरे साथ लंबे तक चलेंगे सर. बोला ये मेरी सोच है. मैं बोला ये सर सोच लेना, मुझे 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, तू बच्चा है समझ ले, कोई किसी का नहीं होता. वो आज बच्चा है देखो तो सब अच्छे हैं, कोई अच्छा नहीं देता. सर इंसान इंसान से प्यार नहीं करेगा तो क्या टाइगर से प्यार करेगा? इंसान को इंसान पे भरोसा करना ही चाहिए सर. धोखा दिया तो ठीक है ना सर, 10 में से 2 धोखा देंगे क्या फर्क पड़ता है? वाह 8 चलेंगे सर. Don't give up on faith. That was my biggest point in the journey, that I will not give up faith on my people. And believe me, that has helped me who I am today. Faith in my people. I never doubt them, never. Dhoka diya, bahut dhoka diya. Movie mein bana hua hai. Lekin farak nahi pada. It will not make a difference, because if your journey is strong, then it will not make a difference. So, सर ने बोला ठीक है महेश तू देख ले तेरा, लेकिन मैं एडवाइस कर रहा हूँ. अभी 2 दिन आराम कर रहा था. मैंने बोला अभी करना क्या है? तो मैंने बैठ के प्लानिंग की कि अभी हमें कहाँ कहाँ मुंबई में करना चाहिए क्लासेस. तो स्टडी करने लगे. तो टीम बिल्ड किया मैंने, सबको बोला देखो सबसे पहले हमें टीचर्स ट्रेन करने हैं. तो बोला हाँ करेंगे. बोला हम एक कल्चर बनाएंगे वर्कशॉप, जैसे आपका वर्कशॉप हो रहा है वैसे हमारा वर्कशॉप का कल्चर हमने स्टार्ट किया. हाउ टू टीच मैथ्स, हाउ टू टीच फिजिक्स, हाउ टू टीच हिंदी, हाउ टू टीच मराठी, एक कल्चर बनाया. मैंने बोला सबको सिखाओ कैसे सिखाना है. अंटिल एंड अनलेस देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन टीचिंग इट विल नॉट डू. मतलब हर एक टीचर में महेश सर दिखना चाहिए तो ये ग्रो होगा. तो बोला सही है सर आपका बात, लेट अस डू इट. वर्कशॉप कल्चर बिल्ड हुआ और जैसा मैंने देखा मेरे पास 40-50 टीचर हो गए. और जब तक तो महेश ट्यूटोरियल्स मुलुंड वाज लाइक अ ओशन राइट फ्रॉम शाहपुर टू चांदी वाली पवाई. स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम टू मुलुंड, इतना स्प्रेड हो गया. तो मैंने बोला देखो अभी हम स्प्रेड भी हो गए, 30-40 टीचर्स हो गए, वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट वेंचर. तो बोला कि रबर बाय ने हमने 5-6 शॉप्स ले चुके थे मुरुड में. तो बोला फर्स्ट वेंचर चेंबूर. तो बोला माई सर तू चेंबूर सोचा? बोला चेंबूर इसलिए सोचा क्योंकि चेंबूर में मैक्सिमम पीपल आर स्टडीइंग इंग्लिश.
तो इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां पर हमारा क्रॉप विल बी मैक्सिमम बिकॉज वी शुड टीच ओनली इंग्लिश मीडियम. तो बोला 8, 9, 10 इंग्लिश मीडियम के बच्चे वहां ज्यादा है. सो वी डिड अ रिसर्च, देखा मद्रासी लोग बहुत ज्यादा है जयपुर में. ओके, तो स्टडी वाज शोइंग उधर बहुत अच्छे स्कूल थे, सेंट एंथनीज, ओएलपीएस, जनरल एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स थे. तो स्टडी को जयपुर से ही लगाया. तो जब तक पैसे भी जमा हो गए तो एक दुकान ले लिए, खरीद लिए. दैट वाज इन 1992. दुकान 10 से 11 दिन खरीदा और शुरू किया. और मैंने मेरे दोस्त नारायण को बोला, नारायण तू इसका हेड और तू मेरा पहला पार्टनर. वाज माय फर्स्ट टीचर और तू इसको हेड करेगा और तू इसको बड़ा करेगा. नारायण बोला डोंट वरी मच, आई विल डू द थिंग. शुरू किया, 8 बच्चे और कोई बिजनेस नहीं उससे ज्यादा. सेकेंड ईयर 12 बच्चे, क्योंकि वहां पे एक कॉम्पिटिटर था तिवारी क्लासेस, आलोक सर हमारे बहुत ही अच्छे टीचर, उनका इतना दबदबा था जयपुर में, एडमिशन आ ही नहीं रहा और प्राइवेट ट्यूशन. तो नारायण आया सर पकड़ा सेकेंड ईयर, तो बोला महेश जयपुर चलेगा नहीं. बोला चलेगा नहीं? बोला प्रॉब्लम क्या है? एडमिशन नहीं हो रहा. अच्छा, लॉस होने लगा. पापा बोले क्या चालू है महेश, क्यों तूने चेंबूर चालू किया, क्या जरूरत था, मुलुंड का शहंशाह था तू, तूने क्यों शुरू किया. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एक्सपेंशन, यू विल सफर ह्यूज लॉसेस. ये मैं फैक्ट बोलता हूँ, इतना लॉस जितना मुलुंड ने कमाया सब खाली. और जिंदगी में पहली बार आफ्टर ओपनिंग मैंने लोन लिया जाके प्राइवेट फाइनेंसर से 5 लाख, क्योंकि पगार देने को पैसा नहीं है जब से. तो मामा की मामी है, तो मामा की वाइफ मेरी मामी इनको बोली, मामा बोली आगे ले भाई क्या जरूरत था, सब सुख था हमारे पास, अच्छा पैसा भी था हमारे पास, हम सब मिल के बात करने लगे. नारायण बोला देख फोर्थ ईयर है, फुल ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा. और यू वोंट बिलीव फोर्थ ईयर व्हाट हैपेंड आई डोंट नो. हमारा एनर्जी था, राइट था, हमने बोला ना पॉजिटिव सोचने लगे. हमने सब टीम को जमा करके बोला इस बार हमें कुछ हासिल करना है, यू पुट योर बेस्ट. कहीं ना कहीं नारायण अय्यर का मद्रासी कनेक्ट एंड ही गॉट 300 स्टूडेंट्स. व्हाट हैपेंड आई डोंट नो, बट अय्यर को मिलने लगे एंड ही गॉट एडमिशंस एंड ही सेल्ड टू चेंबूर. एंड आफ्टर सेलिंग टू चेंबूर मेरा कीड़ा तो बंद नहीं हो रहा है. I told success आ गया देखो, मामी भी चुप, सब बोलने लगे सही डिसीजन था. मैं बोला
छह महीने पहले तो सब गाली दे रहे, अब सब बोल रहे सही डिसीजन था, ये लाइफ का उसूल है। याद रखना, when you are falling, all will blame you. When you are succeeding, people will back you. Okay? So सही क्या, गलत क्या, ये सब कुछ चीज बोलना ही नहीं सकता। सक्सेस मिला, मेरी शादी भी हो गई थी, मेरी ये कोई मतलब एक बहुत ही अच्छी पार्टनर मिली, she was very quiet, very nice to me. Till today I think so, I have never fought with her. क्या बात है? I don't think so, even had a problem in our life. Okay. Because she is very quiet and extraordinary personality. I think so that helps in a relationship. If you are companion, you can understand, it will help you in your business. You have to understand, not she. And I understood her. She's never reverse. She will never understand me. I think so that helped me. Okay, I used to understand her very well. And I gave her enough space. And she is a renowned personality in Hiranandani complex. She has a fantastic spark, okay, and she is a great healer. She heals people well. She has got crystal healing from Rezi, from John of God. She met him. She got that healing back to India, the first one. So she got a space. A very important thing in a relation is give space to your partner. No space needed, you know. Dominance करते कि मैं पति तू पत्नी तू मेरा सुनना doesn't work. So thanks to God, yeah, they got the right partner. So she stood by me. I would really thank her for that. चिंबूर हो गया जैसे मैंने बोला my bug मेरा मन नहीं था. Okay. दूसरा partner तैयार हो गया मनोज नायक. वाह मनोज तू भी अभी तैयार हो गया तेरे लिए था ना. बट बाय देन एक रियलाइजेशन मुझे हिट हुआ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट टू ग्रो बिजनेस इफ योर बिजनेस इज नॉट रियल एस्टेट देन डोंट बाय प्रॉपर्टी. बाय बिजनेसेस नॉट प्रॉपर्टीज. हम मिस्टेक करते हैं वी बाय प्रॉपर्टी. I stopped after Chimbur buying properties. Thana mein maine rent pe liya property. Maine purchase nahi kiya. Rent pe liya. Just imagine, I'll make it simple for you. Agar samjho mere paas 100 crore rupaye, samjho example. Aur mujhe business start karna. We'll take a small amount, 10 crore. मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. इफ आई बाय द प्रॉपर्टी देन आई विल गेट ओनली वन और टू शॉप्स और थ्री शॉप्स. बट इफ आई टेक ऑन रेंट देन आई कैन स्टार्ट इन 10 डिफरेंट प्लेसेस एंड स्पेंड ओनली आउट ऑफ 10 क्रोर्स 2 क्रोर्स एंड कीप रिमेनिंग 8 क्रोर्स फॉर कैंपेनिंग मार्केटिंग डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस. ये मुझे 96 में स्ट्राइक हुआ. बाय नहीं करना चाहिए. मैं बाय किया इसके लिए चिंबूर में फंस गया. तो 96 आई टुक अ डिसीजन नॉट टू बाय प्रॉपर्टी. रेंट पे थाना लिया एंड फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आई गॉट 1000 स्टूडेंट्स. एंड इट वाज अल्ट्रा सक्सेस एंड ग्रू फैंटास्टिक एंड पैसा पागल जैसे आने बोला.
when I did extremely well, Manoj Nayak came to me in 99-2000. Hello, my sir. Hello, Manoj. Manoj Nayak was a student. Manoj Nayak was a student. Manoj Nayak was a paper correction. He was a student. 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 He was a supervisor, teacher, tutor, फिर teacher, फिर 96 में partner, 99 में आके खड़ा हो गया और बोला मनीष सर, मैंने बोला बोल मनीष सर मुझे छोड़ना है मनीष को, मैंने बोला क्यों, बोलते नहीं मुझे जम नहीं रहा ये partnership, मैंने बोला मतलब नहीं आप मुझे बहुत कम partner देते हो partnership देते हो, मैंने बोला अरे मुझे जाने दो, मुझे अपना करियर बना दो, चले जाओ। हम क्या समझते हैं, अरे पार्टनर किया, लगा दिया, खुद का शादी किया, अभी मैं नहीं करूंगा ना। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप इज द मंत्र ऑफ लाइफ। हम गिव अप करते हैं, नहीं ये नहीं चलेगा, हम दो दरवाजा बंद करते हैं, नहीं हर दरवाजे में दो रास्ते रहते हैं, एक गलत तो एक सही भी आएगा। आई डिडंट स्टॉप, नेक्स्ट इन अंधेरी I made Vipul Shah partner, Prasanna Shetty partner, I went on making partners, Sujit partner, Chandresh partner, I started science in 2001, I started commerce on Anish Thakkar, Srini Kotecha, 2003 partners, went on doing, money making, ये बहुत help करता है, एक गलत देता तो 10 अच्छे देते हैं, हम क्या करते हैं, एक गलत देख के डर जाते हैं, no, don't get scared. Go ahead. And 2005, I had so many partners, 13 partners. We were like, "Oh, okay, 13 हो गए." मैंने बोला अपनी जर्नी चेंज करना चाहिए. मैंने बोला अब नया डायरेक्शन लेना चाहिए. उस वक्त मेरे अकाउंटेंट जो 1988 से मेरे अकाउंटेंट थे, उनका उम्र 34 years था, अतुल दारा, एक दोपहर को मुझे फोन किया, उन्होंने बोला मैं सर शाम को मिलेंगे, मैंने बोला हाँ, और मैं फोन करके लेक्चर में गया, मुझे वापस फोन आया, बोला मैं सर, बोला हाँ, अतुल दारा इस रूम में, ओह नो, मैं उधर ही बेहोश हो गया, उधर ही बेड टेबल पे गिर गया, तो लोगों ने काम ही मारा, ओह गॉड, ये क्या क्या है ये, एक आदमी जिससे अभी बात किया वो मर गया। The point I am trying to make here is life is with uncertainties, ये कभी भूलना नहीं, we are not here forever, but whatever time we are, let us give our best, this understanding we should keep. I went for the funeral, I was not well for maybe 20 days, I was not in my senses. But when I came out, I called all the 13 people, मेरे जो partners थे, मैंने बोला सबको देखो, life is with uncertainties. बोला सर we agree sir. बोला then one decision I am taking today, let us leave a legacy behind. बोला सर हम समझे नहीं, आप क्या बोल रहे? मैंने बोला this will not be a partnership. We will make it public limited. बोले सर पागल हो गए आप, 15 करोड़ का टर्नओवर और पब्लिक लिमिटेड, दिमाग है आपको? मैंने बोला देखो दोस्तों आज नहीं है पब्लिक लिमिटेड लेकिन करेंगे। बोला सर व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग लेगेसी समझाओ। बोला देखो हमारे पास अगर शेयर्स नहीं है, ओके दिस शेयर्स विल बी ओनली ट्रांसफर्ड, अभी ज्ञान कुछ नहीं है, बीएससी पास है, कल जीरो, बातें बड़ी,
बीएससी पास के पास अंकल क्या टीचर रह चुका है बातें बड़ी बोले सर आप तो समझते हैं शेयर्स के मैंने बोला पढ़ा है मैंने टेन स्टैंडर्ड अरे वो बुक में पढ़ाता है बोला नहीं उसका मतलब ये है कि मैं किसी को शेयर्स दे सकता हूँ मतलब मेरा परिवार को शेयर्स मिलेगा कल सर आपको कुछ पता नहीं मैंने बोला मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि लेट अस डू दिस पार्टनरशिप में क्या है आज अतुल भाई का ऑफिस बंद हो गया देखा तुमने बोला बोला उसके बीवी बच्चे रोड पे आ गए तुम्हें पता है कौन है उनके लिए चार साल की बेटी और ड्राइवर बोला सर ये बात करा बोला एक काम करो सब लोग एक एक लाख रुपया दो 10 लाख उसको देंगे सर आप फॉर्म से दे दो ना बोला फॉर्म से मैं 10 लाख देता हूँ लेकिन ये 10 लाख इज नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू गेट हम कोई भी नहीं देंगे हमारे फैमिली को क्या हम ऐसा पैसा लेके देंगे व्हाट इफ वी हैव शेयर्स टुमारो ये डायरेक्ट उनको मिलेगा और एक सीईओ आपकी कंपनी संभालेगा सर आप कहाँ पे हो आप क्या टाटा बिरला हो गया आप क्या सोचते हो बोला भैया आज नहीं हूँ कल बनूंगा तो मैंने चार सीएस को भी किया किसी का कुछ जवाब नहीं आया बोलते हैं ये आदमी क्या बात करता है कोचिंग क्लासेस वाला है नहीं नहीं मुझे करना है तो हमारे बीच में एक दिनेश रामानी करके थे उसकी ये पास नहीं हुए लेकिन सीए के साथ काम किए उन्होंने भाई सर आप सही बोल रहे हो लेकिन हमारा कंपनी साइज में बहुत छोटा है इसके लिए नहीं कर सकते बोला नहीं मेरे को करना ही है ये क्यों क्या है मेरा भी नहीं सुनता बोला नहीं मेरे को करना है फिर मेरे जीजा जी मोस्टिल में काम करते थे तो वो कंसल्टेंट बने थे उन्होंने नौकरी से पीआरएस ने एक्चुअली उन्होंने रिजाइन किया था और खुद का कंसल्टेंसी चालू किया था तो मैं उनको जाके बोला जीजा जी कि आपका जो मुसी है जो मोहनलाल ग्रुप का हाँ हाँ वो लिस्टेड है बोला हाँ लिस्टेड है क्या है देखो क्या चाहिए नहीं मेरे को भी लिस्ट करना है उधर जहाँ इधर से बाहर बकवास कर रहे हैं पीपल विल इंसल्ट यू हर्ट यू will not believe you, but please believe in yourself. कोई भी आपको करेक्ट एडवाइस नहीं देगा, सिर्फ एक आदमी आपको करेक्ट एडवाइस देगा, वो आपको believe in your belief system. छोड़ा नहीं. In the meantime, Neptune करके एक ग्रुप बन गया कंस्ट्रक्शन का, जिसमें मैं भी पार्टनर था. तो वो ग्रुप में मैं जाके बोला वहां पर कि यार उनको बोला मुझे महेश ट्यूटोरियल्स लिस्टेड कंपनी करना है तो सब मुझे देखने लगे ये क्या चस्का लगा ऑफर सर नहीं मेरे को पहले बताओ कैसे करने का तो सर थोड़ा शांत रहो हम लोग ने अभी कंस्ट्रक्शन शुरू किया आप बुरी क्यों मारते हो तो आइडिया तो मिले किससे करेक्ट बोला देखेंगे तो इन्होंने वहां पर एक प्रैक्सिस एडवाइजर्स करके आए थे तो नयन शाह मेरे वन ऑफ द पार्टनर्स उन्होंने बोला भाई सर फोन किया मुझे जरा इधर आओ पहुंच गए बाटो बोला आपको चाहिए था ना कंस्ट्रक्शन की अपना लिस्टिंग करने के लिए कंपनी आपके पार्टनरशिप फोन को मैंने बोला हाँ कोई आया है क्या एक प्रैक्सिस एडवाइजर्स आए चलो मैं मिलना चाहता हूँ उनको जाके मिला उन्होंने बोला वी आर एडवाइजर्स वी टीच हाउ टू कॉर्पोरेटाइज द बिजनेस बोला क्या बात है और कुछ कुछ चार लोग थे जी रामचंद्रन गिरीश भाकरे श्रीनी एंड डॉक्टर चाय उन्होंने बोला क्या बात है मैं सबको मिला बोला कैसे करने का बताओ बोला आराम से सबसे पहले आपको प्राइवेट लिमिटेड कर देंगे बोला आपके पार्टनर्स विल बी डायरेक्टर्स और वो भी कर देंगे और आप फर्स्ट स्टेप में चले जाओ फिर हम आते एवरी सैटरडे हम आपको गाइड करेंगे बोला ठीक है मैंने आके सबको बुलाया हम सब टीचर्स हैं सब लोग आ जाओ जमा हो जाओ सबको बोला हमारा एक मीटिंग करेंगे अपन
जिसमें मैं तुम लोगों सबको बताया कैसे होता है कॉन्फिडेंस, तो सबने बोला ठीक है। तो हमने ऑर्नामेंट करके एक होटल है चेंबूर में, वहाँ पर एक छोटा सा ऐसा ऑडिटोरियम, छोटा सा वो कॉन्फ्रेंस रूम टाइप बुक किया, वहाँ डिस्कशन स्टार्ट कि कैसे करना चाहिए। मैंने बोला देखो मेरा पूरा प्लान हो गया, प्रैक्सिस एडवाइजर्स का एक ग्रुप आ गया है और वो कर देंगे। तो तीन लोग खड़े हो गए, बोले सर वी वांट टू क्विट, मतलब आप पागल हो गए, हमें नहीं करना है आपके साथ, हम हमारे छोटे से कोचिंग क्लास चलाएंगे लेकिन आप जैसे पागल आदमी के साथ बोला बिलीव नहीं है, सॉरी सर वी वांट टू क्विट, हमको समझ में नहीं आता है, आपको समझ में आता है तो करो, हमको तो नहीं समझ में आता, ठीक है तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें छोड़ना है तो छोड़ो लेकिन मैं चला एंड आई वॉक द पाथ। एक ग्रुप अंडरस्टैंड लाइफ, इट इज नॉट नेसेसरी पीपल विल वॉक विद यू एंड डोंट फियर। अगर मैं उस दिन डर जाता मैं वहीं रह जाता, आई वॉक फॉरेन फंडिंग। मैं
go to Dubai. Dubai गए, funding raise करने के लिए. Dubai गए, Kuwait गए, Abu Dhabi गए. तो Dubai, Abu Dhabi, Kuwait में हम जब जाते थे fund के लिए, तो वो लोग बोलते थे, what is coaching classes? ये चीज क्या है? तो Google करके देखते थे, बोलते sorry, no funds. And believe me, पूरा foreign trip waste हो गया. Return आके बैठ गए. इतने में डॉक्टर छाया का एक फ्रेंड है, ये एचआर कॉलेज जो है उसके ट्रस्टीज का बेटा, तो शोम चलतिया है. उसने बोला, डॉक्टर डोंट वरी, इंडिया में एफडीआई आने लगे, वी विल गेट इट इन इंडिया. वाज 2007 and for the first time in India, doors opened for FDI. A trend came of foreign direct investment into India. और तीन companies आए थे, उसमें से एक select किया हमने, जिन्होंने interest दिखाया invest करने के लिए. तो that was the investment Helix करने. तो जब वो आए, बोले हमें पैसे लगाना है, बोला आ जाओ. सबको बिठा दिया मैंने, सब क्रेडिटर्स को, मतलब जो हमारे दोस्त थे, और बोला बोलो. बोलता है नहीं, आपसे अकेले से बात करना है. बोले इनके सामने बिंदास बोलो. बोलते नहीं नहीं, वी जनरली टॉक ओनली टू द सीनियर. अरे सर एक ही है इधर, और बिंदास बात करो. ही लाइक द इनोसेंस. दैट आई थिंक इज आ आदमी जनरली ये प्राइवेट में बात होती है फंडिंग की. तो उसने ओपनली बोला, ठीक है, इतना ट्रांसपेरेंट है ऑर्गेनाइजेशन. बोला हां एकदम ट्रांसपेरेंट. And they funded 32 crores. And I was shocked. See, what was important was two things. One, we were transparent. Second, we used to pay full tax. We never gave one rupee. ये भी एक स्टोरी है क्यों मैं फुल टैक्स भर रहा था. ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, जरा सा ड्रिफ्ट हो रहा हूँ. ये मैं टैक्स क्यों फुल भरने लगा. 99 में हमारे यहाँ टैक्स का रेड हो गया शांति बना में, जहाँ सेंट बायस में बोल रहा हूँ ना, वहाँ टैक्स का रेड हो गया. और उस वक्त में कैश फीस देता था, मतलब पेरेंट कैश लाते थे, कैश फीस देता था. तो उस वक्त एक इनकम टैक्स कमिश्नर मैं शाम की बात थी, एंटर किया और सबको धर लिया. मैं बोले आदमी सबको पकड़ता क्यों, पुलिस भी आ गई. बोले क्या चालू है इधर. और बोला ये महेश शेट्टी कौन. तो मैंने बोला मैं. ऐसा मेरा कॉलर पकड़ा, बोला बैठ गया. बोला व्हाट इज दिस नॉनसेंस. कार्ड निकाला, इनकम टैक्स और सब पुलिस और 10-15 आदमी. बोला अरे क्या इनकम टैक्स, क्या प्रॉब्लम, क्या नो मूवमेंट, जो फोन है सब ऑफ, फोन निकाला, ये सब बंद, सब उधर के उधर. बोला क्या प्रॉब्लम है. कुछ नहीं, यू जस्ट काम डाउन, बैठ जाओ उधर आराम से कुर्सी पे, सब चार्ज लेने लगे. बोला सर प्रॉब्लम क्या है. आपके ऊपर रेड है, आपको ये सब पेपर्स पे साइन करना है, आप अभी कोई ले नहीं सकते. बोला और इतने में बाथरूम में आया, तो सर सब सेंटर्स पे आ गए लोग. सब सेंटर पे जहां जहां पे सबको रोक दिया. मैंने बोला सर प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम क्या है अभी सुनो. हाँ, देश का टैक्स नहीं भरते और प्रॉब्लम क्या है पूछते हो. मैंने बोला देखो सर, मेरे को कुछ समझता नहीं आप क्या बोल रहे हैं. टैक्स तो मैं भरता हूँ, अभी सब समझेगा. रिसीट खोला और बिलीव मी 50 लाख रुपीज भरने को बोला. सीए के पास गया, बोला कि 50 लाख क्यों भरने का. सीए बोला देखो भाई सर, आपने टैक्स छुपाया. मैंने बोला आपको तो भरता है, आपने बताया कि नहीं मेरे को टैक्स छुपाने का. बोलते ये प्रथा है, हिंदुस्तान का प्रथा है ये. दिस इज द वे इंडिया इज. मैंने बोला बात बराबर है आपका, और ये होता ही बड़े आदमी के साथ. आपका तुझे शुरू हुआ है. मेरा नहीं समझ में नहीं आया.
पहली बार ऐसे ही लग रहा है, फिर आदत पड़ जाए। जैसे मैंने बताया बचपन से देश सेवा है ना, वो कीड़ा और डीप है, मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मैं देश की सेवा नहीं कर रहा हूँ। सी बीइंग इनोसेंट के एडवांटेजेस भी है, किड्स डिसएडवांटेजेस भी है। ये एडवांटेज था कि आई वांटेड टू बी क्लीन, मेरे को बहुत दुख लगा, बच्चे को क्या एग्जांपल दूंगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आगे भाग गए, अरे वो लोग को भी नेगेटिव मैसेज आएगा, सोचेंगे माई सर्च हो रहे, पेपर में आएगा, लकीली पेपर में नहीं आया, लेकिन पेपर में आएगा। मैं गया, जो भी मेरा कैश का हिसाब पप्पा रख देते, पप्पा को बोला पप्पा अभी मैं टैक्स भरेगा, तो बेटा तो अभी भी भरता है, बोला फिर लोग कैश पकड़ देना, पूरा भरेगा पप्पा। नहीं पूरा तो भरने का कानून ही नहीं है इंडिया में बेटा, तो अभी बचपन मतलब छोटा है, वो बाद में समझेगा। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ना बेटा, फिर सीए को फोन करके बुलाया, घर में मीटिंग, सब में पार्टनर्स को भी बुलाया, सबको बिठाया मेरे घर पे, बोला मेरे को भरना है, सब लोग समझा रहे महेश मत मत, हमने को कैश की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर्टी लेना है, ये लेना है। बोला आज से सबको चेक में मिलेगा, किसी को कैश मिलेगा नहीं, आज से एक रुपया भी हम कैश में लेंगे नहीं, पेरेंट्स से भी चेक। ये बोला देखो भाई ऐसा नहीं होता है, क्योंकि तुम ज्यादा भरोगे तो इनकम टैक्स वाले का ज्यादा मुंह खुलेगा, उनको तो उसको फिर भी ब्राइब देना पड़ेगा। बोला फिर भी ब्राइब देंगे हम, लेकिन हम फुल टैक्स भरेंगे। पागल हो गया, दिस वॉज द बेस्ट मूव ऑफ माई लाइफ। अगर मैं वो मूव नहीं करता था उस दिन 2007 में FDI नहीं मिलता। तो लाइफ में हम कभी कभी उस वक्त नुकसान था, क्योंकि मेरे बहुत सारे पैसे टैक्स में चले गए, लेकिन वो 2007 में बहुत बेनिफिट, क्लीन कंपनी मिला, द कंपनी वॉज फ्रॉम द ब्लूमिंगडेल फैमिली FDI फॉरेन फंड। बिलीव मी दे लाइक, दे टोल्ड मिस्टर महेश हम इंडिया के 12 कंपनी घूमे, लेकिन क्लीनेस्ट आप मिले, ओके क्लीनेस्ट आप, रियली हैट्स ऑफ टू यू, दैट इज व्हाई वी आर इन्वेस्टिंग एंड वी आर गिविंग यू 32 करोड़। तो ये उस वक्त का एक डिसीजन, मैं टैक्स भरूंगा कम व्हाट मे, एंड दैट प्रोसेस कंटिन्यू। मार्जिन बहुत थिन हो गए, आज भी 8% ही मिलता है, ठीक है, लाइफ इज ग्रेट, ओके। मार्जिन रिड्यूस ऑफ कोर्स, बट ग्रोथ इज वेरी हाई, बिकॉज यू गेट लॉट ऑफ व्हाट टू से इन्वेस्टर्स, यू गेट लॉट ऑफ फ्रीडम, फियर चला जाता है, देयर इज नो फियर। उसके बाद 2 बार रेड हो गए, क्योंकि मेरा नेपट्यून के साथ कनेक्शन था, ओके ऑफ कोर्स आई लेफ्ट द नेपट्यून पार्टनरशिप इन 2011, लेकिन फिर भी 2 बार रेड हुआ, लेकिन 0 रुपीस। वो कमिश्नर पहले बार वाला कमिश्नर आके बोला मिस्टर महेश आपका कंपनी बहुत क्लीन है, आप नेपट्यून में क्यों पार्टनर हो। मैंने बोला नहीं आई हैव गिवन अप सर, आपके रिकॉर्ड्स में फिट नहीं हूं। फिर और एक बार रेड लास्ट ईयर हुआ, उस वक्त वो यंग लड़की थी, क्या उसका नाम, कालरा, कालरा, ओके यंग लड़की थी कालरा, क्या कालरा, वो ऑफिस में बैठी मेरे चेयर पे आ गई। मैंने बोला मैडम मेरे चेयर पे क्यों बैठे हैं, बोला दिस इज अ रेड। बोला बराबर है, ये मेरे चेयर पे क्यों बैठे हैं, तुम्हें दिखाने को इतने बड़े कमी नहीं हो। बोला ठीक है, अगर 1 भी रुपया मिला ना मैडम, 1 भी रुपया MD से, कसम से बोल रहा हूँ आपको मैं जिंदगी भर वो चेयर पे बिठाऊंगा, आप एक कंपनी के मालिक में 1 रुपया भी मिला। She could not find 1 rupee. I believe she told, I'm really proud of you. मैंने बोला मैडम आज मेरा इज्जत निकाला आपने ये चेयर पे बैठ के, आपने हमारे कंपनी पे आके रेड किया, आप लोग कुछ पकड़ते हो तो न्यूज़पेपर में देते हो, आज रेड हुआ और हमने इतना करोड़ रुपया पकड़ा। बोला हाँ देते हैं। बोला आज एक काम करोगे, बोल्ड हेडलाइंस में दो,
हमने एमबीए क्लियर कर रेट किया और एक रुपया भी नहीं मिला, उसी मुझे आप पे फक्र हो गया। बोला नहीं ऐसा हम पैसा नहीं दे, बोला वो पकड़ते तो क्यों फोटो के साथ देख रहे हो हमने रेट किया, कभी अच्छा न्यूज भी दो ना। नहीं नहीं मीडिया कॉपी नहीं करते, चलो मीडिया जा रहे। बोला आपका आयकर भवन में ऑफिस है, मेरे को आयकर भवन में बुला के फेलिसिटेट कर दो, आपके इनकम टैक्स कमिश्नर को और एक स्पीच देने को बोलो, मैं देना चाहता हूँ आपके कमिश्नर को एक स्पीच। हाँ वो मैं करूंगी। बोला और एक अवार्ड। हाँ दूंगी। भाग गई वो आज तक मिली नहीं। See, this is the problem. We don't appreciate goodness. We have to learn to appreciate goodness. And if you learn to appreciate goodness, we will see only goodness around. मैं हमेशा बोलता हूँ, जब अच्छा होता है पूरी दिखाओ, that will help people to promote to goodness. मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, और ये मैं मोदी जी के पास भी present करूँगा कि those who pay high income tax, appreciate them, put them like जैसे कि भाई you have paid very high tax, तो तुम्हें एयर टिकट में प्रायोरिटी मिलेगा, तुम्हें कोई हॉस्पिटल्स में प्रायोरिटी मिलेगा, कंसेशन मत देना, प्रायोरिटी तो देना, तो लोगों को क्या लगेगा अरे ये आदमी आगे कैसे गए, ये भाई तो आगे कैसे जा रहे हैं भाई टैक्स पे, तो तू नहीं पे करे बोले मुझे भी जाना है आगे, आई विल पे टैक्स, कीप दैट फीलिंग टू टैक्स पेयर। India cannot give social security. देश की गारंटी है social security नहीं दे सकते, मत दो चलो social security मत दो, but at least give priority कि भाई taxpayer है इसको priority दो, it will make a difference. Social security तो हम मान दे रहे, priority तो दे सकते। And coming back to our discussion, so fund came 2007. 32 crores came, we started expanding all over India. मैं अपने टीम को जाके बोला कि अभी मेरा एक सपना है, अभी क्या नया सपना है? बोला हमारे सारे बच्चों को जो एमपी में हो या नहीं हो, सारे बच्चों को पढ़ाई में कंफर्ट आना चाहिए, they should feel studies is easy. आज पैसा है अपने पास, खर्चा करेंगे। बोला अच्छा भाई साहब, स्टडी इजी करने का कुछ है आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट? मैंने बोला बोला क्या है? सारे क्लासरूम्स को डिजिटलाइज करो। ये क्या है डिजिटलाइज, जरा आप बताएंगे? मैंने बोला हेंस फॉर आई वांट क्लासरूम नॉट टू बी ब्लैक एंड व्हाइट, इट शुड बी कलरफुल। अगर ये कलरफुल होगा तो बच्चों का अट्रैक्शन होगा, बच्चों को स्टडीज इजी लगेगा। तो क्या करेंगे आप? मैं बोला प्रोजेक्टर डालेंगे और स्क्रीन पे हम क्लासरूम प्रोजेक्ट करेंगे, और स्क्रीन पे क्या डालेंगे? मैंने बोला सब लोग सब टीचर्स आज के बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे, अगर उनको कुछ भी बताना है दे विल शो इट थ्रू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एंड बोला मेरे सारे टीचर्स को इसका ट्रेनिंग दिया जाए। जहाँ टीचर नहीं है वहां पर भी हम पहुंच सकते हैं। ह्यूमनली जाओगे तुम कोई खेड़े गाँव में जाके पढ़ाओगे? नहीं सर, ब्रॉडकास्ट रहेगा, फील्ड रहेगा, बोला बराबर था लेकिन टेक्नोलॉजी तो पहुंचेगा। बट आई वाज लिटिल बिफोर टाइम बिकॉज़ इट वाज इन 2007, बाय देन टेक्नोलॉजी वाज नॉट देयर इन इंडिया एज इट इज टुडे। ओके, सो दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक। आई स्पेंट मनी बट आई डिडंट गेट रिटर्न्स, इट टुक ऑफ वेरी स्लोली, टुडे इट इज शेप्ड अप। बट फ्रॉम 2007 branches did well, technology didn't take off because we were
बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आए, टीचर्स, सबसे पहला उनको फियर आया कि मतलब मेरे को नौकरी से निकालेगा माइंड सर, अभी टेक्नोलॉजी पढ़ाया। दूसरा, टेक्नोलॉजी घर में जब भी पहुंचा तो माँ बाप बोलने लगे अरे मेरा बेटा पूरा दिन इंटरनेट पे खेलेगा तो पढ़ेगा कभी, वो नेगेटिव है। सो इट मेंट नेगेटिव लाइक मैड एंड माय क्लासेस बिजनेस ग्रो बट टेक्नोलॉजी डिड नॉट ग्रो, माय ड्रीम ऑफ लिटरेट इंडिया डिड नॉट हैपन, डजंट मैटर, आई डिडंट गिव अप द ड्रीम। एक्सपेंशंस हैपेंड, it was in 2012, rather it was in 2010, मैंने टीम को बोला we are going public, तो लोगों ने बोला सर public limited का मतलब समझते हैं, मैंने बोला हाँ list कर लो, तो list कौन कराएगा हमको, मैंने बोला मैंने वो भी सोचा है, इनाम ले लो, उन्होंने इनाम कितना बड़ा है पता है, वल्लभ बंसली कितने बड़े आदमी हैं, बोला मैं उनको मिलूंगा, डोंट वरी, कनेक्ट लगाया, उनको पर्सनली मिला, उन्होंने बोला सर हम कंपनी बंद कर रहे हैं, वी आर सेलिंग टू एक्सिस कैपिटल। मैंने बोला सर मेरा ही कंपनी लिस्ट करके आप एक्सिस कैपिटल को भेज दो। ठीक है महेश, यू आर वेरी स्पिरिचुअल, आई विल डू इट फॉर यू, ही एग्री। लेकिन उसने बोला तुम्हारा टर्नओवर बहुत कम है महेश, खाली 100 करोड़ है। बोला सर 100 करोड़ बहुत होता है हमारे इंडस्ट्री में, बहुत होता है सर, मैं जर्नी में आया तभी मैं 18 करोड़ का था, तीन पार्टनर भाग गए तभी मैं 100 करोड़ बोला। सर जर्नी तो शुरू करने दो, बोला भाई थोड़ा 200-300 करोड़ में तो फिर आना, बोला नहीं मुझे अभी करना है लिस्ट। बोला ठीक है, तो मैंने लिस्ट किया उनके हेल्प से। इनाम का लास्ट पब्लिक इशू वाज एमटी एंड आफ्टर दैट इनाम सोल्ड आउट। लिस्टिंग प्रोसेस तो एक अलग ही स्टोरी है, मुझे एक घंटा उसमें चला जाएगा बट वो नहीं जाऊंगा मैं उसमें। बट वी गॉट लिस्टेड इन 2012 एंड वी गॉट अनदर 32 करोड़। टेक्नोलॉजी वाज नॉट टेकिंग ऑफ, technology didn't take off, okay, because parents were negative, teachers were negative, but I have not given up, standing up for yours. मैंने बोला बच्चों को टैब दे दो, बोला सर टैब का कॉस्ट क्या है मालूम है, बोला पता है 8000 है ना, सैमसंग का ही देना, बोला सर सस्ते में आता है माइक्रोमैक्स का, बोला खराब होएगा तो पेरेंट चाटा मारेगा, सैमसंग का ले, सैमसंग का टैब दिया बच्चों को, 50 करोड़ का बिल आया, कंपनी वेंट इन लॉस, लिस्टेड कंपनी गोइंग इन लॉस, मतलब शेयर के भाव के बैंड बन गए। ओके, सेकंड ईयर भी दिया बट बाय देन थैंक्स टू रिलायंस जियो, ओके, इंटरनेट वाज अवेलेबल इन एवरी हाउस। So now, third year, this year, we are not giving that because the internet is easily available. But before that, internet was not available. So tab mein hum SD card dal ke de dete the. Entire content with questions, with teacher teaching, with assessment, with understanding for the child, kaun sa chapter read hai, 24 hours teacher hai bachche ke paas. 24 hours. ताली को बजाया, लेकिन सच बोलूं किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया। लाइफ का सबसे बड़ा फायदा है वो अप्रिशिएट नहीं करता, ताली तो सब बजा क्योंकि सब नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन तुम गिव अप मत करना। आज जब आपके सामने खड़ा हूं ना, एक हारा हुआ आदमी खड़ा है, लेकिन लड़ा आपने आज मेरा एक कश्मकश चल रहा है, एक बहुत बड़ा कश्मकश, और वो है लिटरेट इंडिया। मैं घर ही छोड़ूंगा, एक बच्चा भी हिंदुस्तान का पढ़े बिना नहीं रहेगा,
कसम खाया नहीं और पूरा कर दिया। Which cannot happen in the classroom. How to get a 3D in the classroom?
how to get rain in the classroom, how to get a cat in the classroom. So these all possibilities are there in technology. Reality में तो class में ये सब बगाड़ा कहाँ नहीं कर सकते ना, तो teacher तो दो घंटा वही करता रहेगा. But technology can solve that problem. Yeah. People are still not appreciated. दो साल के बाद आएंगे ना, तो आपकी ताली बजाएंगे और टॉप पे रहूँगा. क्या I've solved the problem of the world. I have one thing which is very constant in me, and that is selflessness. See, what happens if you keep every time the spiritual aspect above, I think so you'll win the game. Oh. Yeah. What we do is we start thinking niraka, and that destroys your creation. If you think karo yaar, वैसे भी मरने वाले, तो कुछ करके मरेंगे ना. This is my thing. This is how I have grown. Okay. Today I am in a huge problem, but I don't care. Okay. But if I had been, according to my friends, wiser, I had not done technology. Sawa so crore rupiya kharcha kiya, aur ek rupiya profit nahi. My company is in a turmoil. But for me, creation is more important. Apple, जिसका सही मालिक स्टीव जॉब्स, जो आप भी जानते हैं, लेकिन उसका मालिक कभी था ही नहीं. He was only the creator. मरते वक्त उसके पास 0.01% shares थे. See, understand the beauty. He didn't give up creation. अगर वो creation छोड़ के profit सोचता, तो एक ही डब्बा बनाता था कंप्यूटर का. और वहीं रह जाता था गैरेज में. उसने इन्वेस्टर लाया, पार्टनर्स लाए, उसने अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा. अपने प्रॉफिट हुआ कंपनी को, लेकिन अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचा. उसने बोला पैसा आने दो, क्रिएशन होने दो. ओके, आज हमारे साथ हो चुका दैट इज द थिंग. समबडी मतलब आवर फाउंडर टोल्ड मी व्हाट इज विजन. विजन इज गिविंग अप. Vision is not holding. Holding kiya na, apne paas paisa to aa gaya hai. Dream is there. Okay. And I am being questioned every day by investors. Yes sir. Paisa chala diya. Yes sir. Galat kiya. So kya kya kare? Lekin creation mat nahi kiya. Log bolte hai aati itna jiddi ki jid bahut important hai. Hum jiddi nahi rahenge to nahi kar pa. जीत ने मुझे बहुत ध्यान कर रहा है. अभी मुझे यार जहां कौन सी स्टेज पे रहना है ना, सी आई हैव टू डू द सेम थिंग इन हिंदी मीडियम, बिकॉज इंडियाज 50% पॉपुलेशन स्टडीज इन हिंदी. मुझे हिंदी में करना है. क्या बात है, बहुत पैसा लगेगा. बट आई विल डू इट. वो कॉम्पिटिटर को ज्वाइन किया. आई डोंट गिव इंपॉर्टेंस टू दैट.
मैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, मैं जिस पर्पस से इस धरती पर आया सब उसको इम्पोर्टेंस क्या बात है कोई भी रिलेशन को अहमियत नहीं देता हूँ, कोई भी, मैं एक एक चीज को कनेक्ट करता हूँ हायर कॉन्शियस से। आई हैव टू टेल एवरीबॉडी आई एम नॉट दैट अलोन, इफ यू आर कनेक्टेड देयर ना, तो ये लोग कौन है? बचपन में माँ बाप है, अभी बीवी है, बुढ़ापे में बेटे रहेगा, दे आर ऑन जर्नी ना, दे कम इन द जर्नी। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ। हम हर्ट होते, माँ ने ऐसा किया, बीवी ने ऐसा किया, बेटा ऐसा कैसा, ये फ्रेंड ऐसा कैसा, ये पार्टनर ने ऐसा, अटक जाएंगे हमारा पर्पस से अलग हो जाएंगे। दैट इज द ब्यूटी, आई एम ऑलवेज फोकस्ड ऑन पर्पस, इट हेल्प्स मी, इट जस्ट हेल्प्स मी, ओके, इट कीप्स मी स्माइलिंग, इट कीप्स मी हैप्पी, सो आई फील मैन इज वेरी इमोशनल, दैट इज व्हाई ही लूजेस। ईक्यू शुड बी एट द हायर कॉन्शियसनेस, not on hurt, hurt to EQ not bana. Hurt is the biggest factor of all. Biggest factor. ये never give up वाला जो energy है, ये कहाँ से आ रहा है? Your focus is there, you never give up. You have to first decide your purpose of life. See, लोगों को life का purpose नहीं मिलता है, जब तक तुम्हें life का purpose नहीं मिलेगा ना, till then never give up का सवाल ही नहीं, मतलब आएगा ही नहीं वो concept। आपको आपका purpose चाहिए ना, देखो गांधी जी है ना, उसको purpose मिला, he was never hurt, सब hurt हो गए लेकिन वो कभी hurt नहीं हुआ, he got the purpose। If you have a purpose ना, you will not get hurt, you have to play the game of purpose, why have you come here, simple, ये question का answer दो आप। ये पृथ्वी को हो गए 450 करोड़ साल, आपका जिंदगी है 80 साल, 450 करोड़ के सामने क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं में कुछ रन भर के जाओ, बस इतना ही। आपने आज जो हमें शेयरिंग की है सर, आपने अपना पूरी लाइफ जर्नी जो शेयर की है इन बीबीपी बिजनेस इंडिया पे, हम ये जो कोर कॉन्सेप्ट ऑफ विजन ये हम सीख रहे हैं, पर आपने वो सारे पहलू जो हम हमें सिखाए जा रहे इतने मेहनत से वाया ट्यूटर्स वाया गुरुज, वो आपने सारे एक ही पूरे लाइफ स्पैन में ये दिखा दिया हमको। आज तक हम सीख रहे थे, हमें लाइव एग्जाम्पल चाहिए था। हर लेवल पे हम हार्ड होकर
पूरी जिंदगियों को बर्बाद कर देते हैं। जैसे इन्होंने कुछ एक नई आइडिया डाल दिया और टीचरों ने हार के निकल गए, टीचरों को नुकसान नहीं हुआ, उसकी वजह से दूसरे स्टूडेंट्स को ये एक साल लेट हो गए, उससे नुकसान। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इन्होंने जिस तरह से इनका बहुत कमाल का पॉइंट है इनोसेंस, दिल में आया करना है तो करना है। नेशन बिल्डिंग है इनका कमाल का जो पर्पज है, कंपनी नहीं बना, बिजनेस नहीं कर रहे, ये दुनिया, मुझे नहीं लगता कि इंडिया बॉम्बे को खोल दिया, पूरे वर्ल्ड को लिटरेट करेंगे, आई एम श्योर। जो इंसान नदी के पानी की तरह अपनी सारी जिंदगी के पत्ते खोल देता है और इस तरह से बोल रहा है हंसते हंसते, इससे 125 करोड़ इंसान हो गया, 25 करोड़ इधर डाल दिया, वो लोगों ने बोला छोड़ रहे छोड़ो, लेकिन खुद ने खुद का विजन पिताजी के कहने पर भी नहीं छोड़ा। एट द एज ऑफ 20 अदरवाइज कोई भी बच्चा मेरा सिक्योरिटी बनता है, और माँ बाप को कितने कड़क होंगे जमाने में, तो और कड़क होंगे, इतना अक्कल नहीं है, तेरे को समझ ही नहीं आता क्या मेरा कितना अनुभव है, तेरे को मालूम है बर्बाद हो जाएगा, इनसिक्योर हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिंगा हो जाएगा, इसके सामने खड़ा रहेंगे स्टडी एजुकेशन और अपना पर्पस, और खुद ढूंढ रहे हैं। उनको पूछा सर आप कितने कितना लर्निंग किए, तो बोलते मैंने लेमन किया, शिव खेड़ा किया और 3-4 और लोगों के भी नाम सतगुरु का नाम किया, बोला सर अभी WDC का प्लान है। दिस मैन इज कॉन्स्टेंटली लर्निंग और कहीं पे भी वो स्टैग्नेंट नहीं हो रहा है, ये कर दिया तो भी ऐसा करना है, अभी ये कर दिया तो भी ये करना है, ये कर दिया तो भी ये करना है। मेरे हिसाब से ये इस 35 जो बोलते हैं 53 हुए तो वे द एनर्जी ना चेहरे को एनर्जी दिखती है, एज कभी होती नहीं सर, मैं ऑलवेज मानता हूं कि कभी उम्र नहीं होती, सिर्फ होता है आपका पर्पस। आप सिर्फ मूवर हो, छोड़ा नहीं यार, जब जयपुर में नहीं तो खत्म हो, खुदकुशी कर लेते। फर्स्ट तो ज्यादा इमोशनल होता है, और अपने इंडिया का एक ही प्रॉब्लम है, तो मैंने महेश सर को बोला कि हम इमोशनल फूल्स हैं, हम लोग इमोशनल फूल्स हैं सर, इसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला, इसने मेरी इज्जत निकाली, इसने हो गया, बाहर बोली, तुम्हारा पर्पस है तुमको 80 साल में 600 साल का काम करना है, तो आपको बस समय का है किसने क्या बोला है सुनने का। एंड ग्रेट, आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू, सो मेनी थिंग्स, फैंटास्टिक, आई लाइक यू। थैंक यू वेरी वेरी मच। वैसे आप यहाँ आए अगर देखा सर आपने इतना सेशन लिया, किसी ने चूम के चार नहीं किया, तो बाथरूम नहीं गया, वो तो तुमको पता नहीं चलेगा, तुम आगे बैठेगा पीछे वाले जनरल स्मार्ट हो। और सब लोगों ने सब सुना है, आई एम श्योर आपके इसकी वजह से, ये सेल्फलेस टॉक की वजह से इतना बड़ा देयर विल बी अ डिफरेंस इन देयर माइंड। मैं क्या बात जैसा हो गया था, Thank you.